मुंबई में गैर मराठी लोगों को टैक्सी परमिट लागू करने के इस मुद्दे पर रिलायंस ग्रुप के इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी ने बयान देते हुए कहा कि मुंबई पर सभी का हक है, लेकिन मुकेश अंबानी के द्वारा मुंबई पर की गई टिप्पणी से शिवसेना बेहद नाखुश है, जिस पर शिवसेना पार्टी के सांसद और सामना के संपादक संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। बाला साहब ने यही याद दिला है मुकेश जी को कि ध्रुवभाई जो इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए, उसमें महाराष्ट्र का और मुंबई का हिस्सा सबसे बड़ा है और रहेगा। हमने मुंबई में या महाराष्ट्र में उद्योगों का स्वागत किया है, इंडस्ट्री का स्वागत किया है, और इंडस्ट्री बढ़ेगी तो राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा, ये शिवसेना की धारणा रही है और रहेगी। जब तक शिवसेना है तब तक मुंबई को महाराष्ट्र से कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। शिवसेना पार्टी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को मुंबई में खेलने पर लगातार विरोध कर रही है और संजय राउत ने बातों ही बातों में शाहरुख को भी नसीहत दे डाली कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहरुख की टीम की तरफ से खेलेंगे तो उन्हें खेलने नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि उनके फिल्म के प्रदर्शन को लेकर भी शिवसेना आजकल आंदोलन छेड़े हुए है। पाकिस्तान की प्लेयर की बात करते हैं शाहरुख खान, वो अगर हिम्मत है उसमें तो लेके दिखाइए, खेल के दिखाइए, हम देखते हैं क्या करना है। संजय राउत के इस तीव्र बयान से इस बात का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि मुंबई के बारे में अगर कोई भी कुछ कहता है तो शिवसेना उस पर हस्तक्षेप जरूर करेगी। कैमरा पर्सन अजीत के साथ अनीता राम और रेहान गुलाम हुसैन की रिपोर्ट, MNS मीडिया न्यूज सर्विस, मुंबई।